आखिर क्या हुआ जब एक शख्स ने 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई साइकिल। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या कोई साइकिल चलाकर विश्व रिकॉर्ड बना सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आता है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ऐसा ही एक विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड के रहने वाले 45 वर्षीय साइकिलिस्ट नील कैंपबेल ने बनाया है। उन्होंने 280.55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाकर 24 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब एक नया इतिहास रच दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि नील कैंपबेल बहुत ही प्रशंसनीय और एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है। नील कैंपबेल को यह विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए रनवे पर पोर्शे कार की बराबरी करनी थी। यह रेस उत्तरी यॉर्कशायर के 3.2 किलोमीटर लंबे एल्विंटन एयरफील्ड पर हुई थी। अब बात करते हैं कि आखिर ये विश्व रिकॉर्ड बना कैसे। यूं तो आज सभी जानते हैं कि साइकिल दो पहिए वाला वाहन है और इसे मानव की एनर्जी के द्वारा, यानी कि इंसान जब पैडल मारता है उसके द्वारा ही है चलती है, लेकिन कार इलेक्ट्रॉनिक होती है जो इंजन के द्वारा चलती है। ऐसे में एक साइकिल का पोर्श कार जो कि 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, उसकी बराबरी करना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंपबेल ने जिस साइकिल से यह रिकॉर्ड बनाया उसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए है। इस साइकिल को खास तौर पर तेज गति से चलाने के लिए ही तैयार किया गया है। इससे पहले यह विश्व रिकॉर्ड नीदरलैंड के साइकिलिस्ट फ्रेड रोमपेलबर्ग के नाम था, जिन्होंने साल 1995 में 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाकर एक तेज रफ्तार कार की बराबरी की थी और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि सबसे तेज साइकिल चलाने का रिकॉर्ड अमेरिकी साइकिलिस्ट डेनिस मूलर कॉर्नेक नामक महिला के नाम है, जिन्होंने 2018 में 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाई थी। लेकिन अब नील कैंपबेल का इरादा इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने का है। कैंपबेल का कहना है कि वह अगले साल अमेरिका के उटाहू में स्थित बोनेविले सॉर्ट फ्लैट्स के 6 मील के ट्रैक पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दुनिया के तेज साइकिलिस्ट डेनिस म्यूलर ने भी अपना विश्व रिकॉर्ड इसी ट्रैक पर बनाया था। कैंपबेल ने 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन अब वह 250 किलोमीटर प्रति घंटे के आंकड़े में पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपके हिसाब से नील कैंपबेल 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।